उत्तराखंड के नैनीताल पहुंचे हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रधर महाराज ने कहा कि सन 2014 में सभी हिंदुओं ने मिलकर भाजपा सरकार बनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ना तो राम मंदिर पर कोई अपना अध्यादेश लाए, ना ही उन्होंने गोरक्षा पर कोई ठोस कानून बनाया। अगर हिंदुओं की भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ हुआ तो सन 2019 में लोकसभा चुनाव में हिंदू समाज भाजपा का कोई ठोस विकल्प भी देख सकता। उन्होंने कहा कि ताकत नरेंद्र मोदी या योगी में नहीं बल्कि हिंदुत्व में है। उन्होंने कहा कि जो भी हिंदुत्व की बात करेगा वह देश में सरकार संभालेगा। देखिए 2014 में हम लोगों ने खुद समर्थन किया था, हमसे भी मोदी जी भागवत जी ने समर्थन मांगा था और इसी पे पूरे देश के लोगों ने समर्थन किया था कि सरकार बनने पे राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण होगा, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनेगा, धारा 370 समाप्त होगा। लेकिन 4 साल मई में पूरे होने वाले हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के साथ ये बात को कहना पड़ रहा है कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश अभी तक नहीं लाए और इसके खिलाफ खड़े होगा कि भाई सरकार पे दबाव बनाएगा। अगर जो 2019 तक अगर जो नहीं करते हैं अब तो जल्दी वो करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से कोई विकल्प हिंदू समाज को देना पड़ेगा। आज न्यूज के लिए नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।